अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हवाजी फाउंडेशन का मैंने टेस्ट दिया है मैथ के हवाले से सीनियर टीचर की पोस्ट पे ना, तो जो टेस्ट हुआ है वो हमें एक दो दिन पहले हमें पता चला है कि जी ऐसे ऐसे पोस्ट हैं और टेस्ट जो है ये हमारे एरिया में ही होगा। अदरवाइज़ पहले जो टेस्ट होता था वो पिंडी, इस्लामाबाद और मतलब दूर दराज के एरियाज़ में होता है, तो मतलब नौशहरा, सोन वैली जो है वहाँ पर होना था। और इसके अलावा जो टेस्ट की प्रिपरेशन थी वो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि एक दो दिन पहले पता चला है तो उस हवाले से, और वैसे भी स्कूल में काफ़ी बिजी रूटीन जा रही है तो इस वजह से तैयारी नहीं कर पाई। बाकी टेस्ट मैंने पहले भी दिया हुआ था और इस बार भी, तो टेस्ट काफ़ी ईजी होता है, लेकिन ये है कि बस थोड़ी सी जो है ना कम अज़ कम मतलब हमें प्रिपरेशन जो है वो क्या करके जानी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले पोर्शन जो था वो इंग्लिश था। इंग्लिश में कम अज़ कम जो थे वो 30 क्वेश्चंस थे। 30 क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले जो था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, प्रीपोजिशंस थी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के क्वेश्चन थे, और इसके अलावा काफ़ी जो है ना मतलब ग्रामेटिकली क्वेश्चंस थे। और बाकी इसके बाद थोड़ा सा जनरल मैथ के हवाले से था, जैसे 6, 7, 8 उसके कुछ क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद हमें इस्लामियात, वो भी इंग्लिश में थी, इस्लामियात के भी बहुत कॉमन से क्वेश्चन थे 5-6, यानी कि नमाज के साथ जो है वो किस चीज़ का हुक्म दिया गया है कुरान मजीद में बार बार, तो ज़कात का है। और इसके हवाले से हज के हवाले से क्वेश्चन थे, खाना काबा के हवाले से एक क्वेश्चन था, सही एग्जैक्ट मुझे उसकी स्टेटमेंट याद नहीं है। और इसके नमाज के साथ थे, और कुरान मजीद के हवाले से नहीं, कुरान मजीद के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं था। बाकी जनरल नॉलेज जो था वो हमारा बहुत मतलब टफ था, ये कह सकते हैं कि 2023 के हवाले से जो था ना, वो जो आजकल हमारे पाकिस्तान के करंट अफेयर्स हैं उसके हवाले से जनरल नॉलेज 2023 के हवाले से था। करंट अफेयर्स जो पाकिस्तान में 2023 के हवाले से क्वेश्चन थे, मतलब कि पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली के हवाले से, और इस्लामाबाद के हवाले से एक दो क्वेश्चन थे कि हमें पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल कब और किस डेट को बना, ठीक है। और इसके बाद 50% जो है वो हमारा सब्जेक्ट का पोर्शन आ जाता है। 50% सब्जेक्ट के पोर्शन में पहले जो यानी कि 51 से 71 तक जो क्वेश्चन थे ना, उसमें हमारे पास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मेन क्वेश्चन थे। इतने टफ़ भी नहीं थे और इतने इजी भी नहीं थे। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, इंटरवल्स के थे, इंटीजर्स के हवाले से क्वेश्चंस थे, यानी कि 6, 7 के पोर्शन में से भी क्वेश्चन थे। और इसके अलावा इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, और ये BSc के ये क्वेश्चन है ना, और ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन था, और BSc के जो हमारा है ना सिलेबस उसके में से कैलकुलस में से क्वेश्चन थे। और इसके बाद जो है 72 से लेके 100 तक हमारी 30 ट्रू फॉल्स थी, और जो ट्रू फॉल्स थी वो ऐसे थी मतलब कि जैसे -0 जो है वो -1000/0 इज़ इक्वल टू 0, तो क्या ये ठीक है? तो ये तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट थी। ट्रू फॉल्स मतलब इस तरीके से थे, यानी कि स्टेटमेंट जो थी कुछ फॉल्स थी, कुछ ट्रू थी, और वो 30 थी, तो मतलब हमें ट्रू फॉल्स के हवाले से काफ़ी जो है ना हमें एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और बाकी सॉल्व करने वाले भी काफ़ी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन था -2 + 2 × 2 / 2 / 2 = 0 आता है, ये 2 आता है, तो उसका आंसर जो था वो 2 ही आता था जब हमने सॉल्व किया। इसके अलावा माइनस का एक क्वेश्चन था, प्लस का, मतलब टेस्ट ऑलमोस्ट जो था वो बहुत ईजी था। सिर्फ ये है कि हमें तैयारी करके जानी चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने दिया है। और लास्ट टाइम तो आई थिंक 2 वीक्स के बाद रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन अभी इस दफ़ा कुछ नहीं पता हमें कि रिज़ल्ट कब तक देंगे और सीट्स कितनी है, क्योंकि बस ऐसी ही पोस्ट आई हुई थी कि इधर टेस्ट होना है इस डेट को, 9 अगस्त को टेस्ट होना है, तो बस हम लोग एक एक्सपीरियंस के लिए, तो मैं तो टेस्ट देने के लिए चली गई थी। बाकी आगे जो किस्मत, 1000 सैलरी थी, और बस वो 3 ऑप्शंस पूछते हैं कि आपका जो है ना वो मतलब कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको फौजी फाउंडेशन के इदारे में आप जॉब करना चाहते हैं। तो पहला मैंने नौशहरा, फिर रावलपिंडी, और फिर सरगोधा। जाहिर है फिर हम दूसरे सिटीज़ का जो है वो लिखना चाहते हैं, और बस यही है। और एक और चीज़ कि हम लोग जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है लाइक है मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और फिज़िक्स
केमिस्ट्री हो गया, ये जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं इन पे तो हमारा फोकस होता है, हमारी ग्रिप होती है, या हम टीच कर रहे होते हैं बच्चों से को तो हमारी ग्रिप होती है, लेकिन जो हमारा जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है और इस्लामियात का पोर्शन है, इन पे हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। जब से हमारे पास मोबाइल्स आए हैं हम इन चीज़ों को बिल्कुल हमने एक साइड पर रख दिया है। तो मैं ये आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इस चीज़ पर डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा फोकस करें और इनकी प्रिपरेशन साथ साथ करें, ताकि हर आने वाले टेस्ट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इन्हीं की वजह से बंदा पीछे रह जाता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।